बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों, मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी ख़त्म हो रही है, मगर सियासी मौसम दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। दो टीमें हैं पाकिस्तान में सियासी, एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ है जिसके साथ पाकिस्तान की अवाम खड़ी है, और दूसरी टीम है पीडीएम। पीडीएम में तमाम सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, और उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। सियासी मौसम बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म है इस टाइम, और इसमें जो ठंडी हवा का झोंका है वो मौलाना फजलरहमान है। वो पाकिस्तान तरीके साथ अपने लिए हवा का झोंका, ठंडी हवा का झोंका महसूस कर रहे हैं, और पीडीएम की जमात एस्टेब्लिशमेंट वो अपने लिए ठंडी हवा का झोंका महसूस कर रहे हैं, मगर मौलाना फजलरहमान इस टाइम इस तमाम सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि टीवी का कोई भी चैनल आप लगा लें, उसके ऊपर तजिया निगार यही तजिया दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं ये हुकूमत के साथ जाएगा, कोई कह रहा है कि नहीं ये अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। मगर मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि आपने अगर किसी बंदे के बारे में कोई राय कायम करनी है तो उसके पास को देख रहे, माजी को देख रहे, बड़ी आसानी हो जाती है आपके लिए कि आप उसके बारे में कोई अच्छी राय कायम कर सकें। मौलाना फजलरहमान की जो माजी है वो इकदार के अवानों में गुजरी है। उन्होंने बेनज़ीर की जब हुकूमत आई तो उन्होंने खातून की जो है ना हुकूमत को इस्लाम में नाजायज़ करार दिया, मगर फिर उसी हुकूमत के साथ जाके बैठ गया, और फिर इसी तरह हर हुकूमत का हिस्सा रहे। पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई है उसके बाद उसका हिस्सा रहे। वाहिद पाकिस्तान तरीके इंसाफ है कि इसके साथ इनकी नहीं बन सकी। इस टाइम मौलाना फजलरहमान अपनी बोली लगवा रहा है, अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है, वरना मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख के ले लें कि ये चंद दिनों में ये इख्तदार के अवानों में फिर बैठा होगा और इख्तदार के अवानों को इंजॉय कर रहा होगा। इस टाइम जो मौलाना साहब को जो अफर्ज हो रही है हुकूमत की तरफ से, बलूचिस्तान में दो तीन मिनिस्ट्रियाँ और केपी की गवर्नरशिप, विफाक में दो तीन मिनिस्ट्री, इसको अपर हो चुकी है, मगर ये कोशिश कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम गेन कर ले, जितना हो सकता है कि मैक्सिमम गेन कर ले, अपनी बोली लगवा रहा है। तो दोस्तों, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि मौलाना साहब अपोजिशन के साथ खड़े रहेंगे, और आप लोग देखेंगे कि 10-15 दिन 20 दिन तक मौलाना साहब एक दफ़ा फिर इख्तदार के अवानों में होंगे। दोस्तों, मेरी तो ज़ाती राय यही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।